नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में डिटेल वीडियो है ये। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसमें कौन कौन परिवार पात्र है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, इस योजना के तहत आपको कितनी लाभ राशि मिलती है और इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इस बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप घर बनाना चाहते हो और घर बनाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता चाहते हो तो आपके लिए एक जरूरी वीडियो है ये। इस वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, पीएमएवाई योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी, अप्रैल 2016 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हाउसिंग फॉर ऑल, हर एक व्यक्ति के पास अपना एक पक्का मकान हो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में आवास पूर्ति के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हो या शहरी क्षेत्र के रहने वाले हो, अगर आपके पास घर नहीं है और घर बनाने में आप सक्षम नहीं हो तो आप पीएमएवाई योजना के तहत आवेदन करके सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते हो और अपना घर वगैरह को बना सकते हो। इस योजना के तहत आपको कितनी राशि मिलती है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप मैदानी एरिया के रहने वाले हो ग्रामीण क्षेत्र में तो आपको 1,20,000 रुपए से लेकर के 1,50,000 रुपए तक इसमें राशि मिलती है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको 1,30,000 रुपए मिलते हैं और अगर आप अर्बन एरिया के शहरी क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको 2,50,000 रुपए की राशि पीएमएवाई योजना के तहत आपको मिल सकती है। इस योजना में जो आपको अमाउंट है वो 3 किस्त में आपको मिलता है। जब आप घर बनाना शुरू करते हो तो आपको पहली किस्त मिलती है, जब आप घर का निर्माण करते हो तो आपको सर्वे किया जाएगा, सर्वे करने के बाद आपको दूसरी किस्त मिलेगी और जब आप घर का काम कंप्लीट कर लेते हो, कंप्लीट करने के बाद आपको तीसरी किस्त वो मिलती है। ये जो राशि है वो आपके बैंक अकाउंट में, आवेदक के बैंक अकाउंट में सीधे आ जाती है। जो आधार लिंक बैंक खाता है उसमें ये अमाउंट है वो आ जाता है। ये जो राशि है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में इसका जो अनुपात है वो 60:40 होता है मैदानी क्षेत्र में, और पहाड़ी क्षेत्र में इसका जो अनुपात है वो 90:10 होता है, यानी कि 90% राशि है वो केंद्र सरकार और 10% जो राशि है वो राज्य सरकार इसमें देती है। जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हो उस समय आपको बैंक अकाउंट लगाना होता है, बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अब बात करते हैं पात्रता के बारे में, इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन परिवार पात्र है, कौन कौन इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो इस योजना में आवेदन करने के लिए जो बेघर परिवार है, जो निराश्रित परिवार है, जिनके पास घर नहीं है वो आवेदन कर सकते हैं। ऐसा परिवार जिसमें 25 साल से अधिक आयु का कोई भी शिक्षित व्यक्ति नहीं है वो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। ऐसा परिवार जिसकी जीविका है वो मजदूरी पे चलती है, जिनके पास खेतीबाड़ी के लिए भूमि नहीं है, मजदूरी करके अपने घर का निर्वाह करते हैं, अपने घर का गुजारा बसर करते हैं, ऐसा परिवार इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति और जो पिछड़ा वर्ग के परिवार है वो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बीपीएल परिवार है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन करते हैं, वो परिवार इस योजना के तहत आवेदन करके घर निर्माण के लिए सरकार से आर्थिक सहायता है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा परिवार जिसमें कामकाज करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, जो दिव्यांग, जिस परिवार में दिव्यांगजन है वो आवेदन कर सकते हैं पीएमएवाई योजना के तहत और घर बनाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता वो प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अपवाद के बारे में, इसमें कुछ अपवाद है, कौन कौन इस योजना के तहत आवेदन है वो नहीं कर सकते हैं। ऐसा परिवार जिसमें 2 पहिया, 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है या फिर मछली पकड़ने की नौका वगैरह, उनके पास वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसा परिवार जिनके पास पहले से ही पक्का मकान बना हुआ है और खेतीबाड़ी की भूमि है, उनके पास वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसा परिवार जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है जिनका, और उसकी लिमिट है वो 50,000 या इससे अधिक है लिमिट, वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई परिवार जिसमें कोई एक सदस्य परिवार में सरकारी नौकरी में लगा हुआ है, सरकारी नौकरी में है या कोई नौकरी करता है जिसमें उनकी जो मासिक जो तनख्वाह है वो 10,000 रुपए से अधिक है, वो इस योजना के तहत आवेदन है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ अपवाद जिनके तहत आप पीएमएवाई योजना के तहत आपको लाभ है वो नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो और जो मैंने आपको कंडीशन बताई वो सारी कंडीशन आप कंप्लीट करते हो तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। डॉक्यूमेंट में आवेदक का आधार कार्ड की जरूरत होती है, सबसे पहले आपको आधार कार्ड, आवेदक का बैंक अकाउंट, एक आवेदक की फोटो लगानी है, इसके साथ साथ आपको मनरेगा जॉब कार्ड साथ में लगाना होता है, मनरेगा जॉब कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपने स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत लाभ प्राप्त किया हुआ है तो आपको लाभार्थी आईडी साथ में लगानी होती है, इसके साथ साथ आपको निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना होता है। अब बात करते हैं पीएमएवाई योजना के तहत आवेदन कैसे करें, आवेदन करने के बारे में। इसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन होता है, ये ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन है वो कर सकते हो जो एलिजिबल कैंडिडेट है।
वो ऑनलाइन ही आवेदन होंगे, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सिटीजन पोर्टल अवेलेबल नहीं है। अगर वो आवेदन करना चाहते हैं तो उनको जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट लेकर के और आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको ये मेंशन करना है कि पीएमएवाई योजना के तहत आप आवेदन प्राप्त करना चाहते हो, आप एलिजिबल कैंडिडेट हो, और ये एप्लीकेशन आपको ग्राम सहायक और सरपंच के माध्यम से आपके बीडीपीओ कार्यालय में जाकर के बीडीपीओ कार्यालय में वहां पे जो पोर्टल है, सरकारी जो पोर्टल है उसके माध्यम से ही आपका ऑनलाइन आवेदन है वो होगा। आपको बीडीपीओ कार्यालय में जाना है या फिर आपको एप्लीकेशन देनी है ग्राम सहायक को या सरपंच को और उनके माध्यम से आपका ऑनलाइन आवेदन है वो करवाया जाएगा, ठीक है। शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो खुद ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए सिटीजन पोर्टल अवेलेबल है और सिटीजन पोर्टल के माध्यम से वो खुद ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए साइट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप आवेदन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस बारे में कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको बता सकता हूं ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में, अगर आप इस तरह का वीडियो चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में वीडियो से संबंधित जानकारी के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो ये थी जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताई है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वैल्यूएबल और हेल्पफुल जानकारी होगी। अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये जानकारी शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों को जानकारी स्कीम्स के बारे में जानकारी मिल सके और वो स्कीम्स का लाभ वो प्राप्त कर सके। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।